सत श्री अकाल, तुसी देख रहे हो चैनल इंडो कैनेडा। मैं हाँ राजविंदर कौर, खबरां दे इस बुलेटिन दे विच तुहाडा स्वागत है। ते बुलेटिन दी शुरुआत करदे हां मुख खबरां दे नाल। वैक्सीन दीआं 1 लख डोज पंजाब पहुंचणगीआं। मुख्यमंत्री ने 18 तों 45 उम्र वर्ग दे लई टीकाकरण सोमवार तों शुरू करन दे दित्ते हुकम। दिल्ली च ऑक्सीजन की सप्लाई नूं लैके सुप्रीम कोर्ट सख्त। अमृतसर अकाली दल ने खड़काया जुडिशियल कमिशन का दरवाजा। महाराष्ट्र के यूपी समेत 9 सूबों तो गुड न्यूज़। कोरोना के नवे केस वधन की रफ्तार हुई घट। कैप्टन खिलाफ अंदर खाते पक्कन लगी खिचड़ी। सिद्धू समेत कई सरगर्म। ते हुण खबरां विस्थार दे नाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक महत्वपूर्ण ऐलान करते हुए कहा कि सोमवार तो सरकारी हस्पतालों के 18 तो 45 उम्र वर्ग के लोगों लई टीकाकरण का काम शुरू किया जा रहा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तो हफ्ते के अंत तक कोविड वैक्सीन दीआं 1 लख डोज पहुँचने की उम्मीद है, जो कि पंजाब पहुँचनगियां। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिवें ही नवीं डोज पंजाब पहुँचनगियां, उवें ही पंजाब सरकार के वलों टीकाकरण का तीसरा पड़ा शुरू कर दिया जाएगा। सूबा सरकार ने 18 तो 45 उम्र वर्ग के लिए पहल के आधार पर निर्माण वर्कर, अध्यापक, सरकारी कर्मचारियों ते वख-वख रोगों तो पीड़ित लोगों की पछाण की है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अज कोविड समीक्षा बैठक दौरान सारे सरकारी कर्मचारियों को हुक्म दिया कि टीका लगवाओ। मजदूर विभाग को निर्माण वर्कर ते उन्हां दे परिवारों के नाल तालमेल करके टीकाकरण लई कहा गया। डिप्टी कमिश्नर नूं निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी कर्मचारियों नाल तालमेल करके इस उम्र वर्ग के लोगों को टीके लगवाउण। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार सख्ती विखाउंदिया केंद्र नूं स्पष्ट कर दिता कि उस नूं अदालत के अगले हुक्म तक दिल्ली नूं रोजाना 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई जारी रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने नाल ही यह भी कहा कि इस पर अमल होना चाहिए, इस की पालना करने में किसी तरह की कोताही वरती गई तो सानू होर सख्त होने के लिए मजबूर होना पवेगा। 2 दिन पहला सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नूं कोविड-19 मरीजों के लिए 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई के निर्देशों का पालना ना करन ते केंद्र सरकार के विरुद्ध एक्शन लिया सी। श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी अधीन आउंदे गुरद्वारा श्री राम साहिब विखे हुए अगजनी की घटना समय 328 खुरद बुरद हुए पावन सरूपां की पेशी लई श्रोमणी अकाली दल अमृतसर वालों जुडिशियल कमिशन अमृतसर विखे मानयोग जज सतनाम सिंह कलेर की हाजरी च तरीक पेशी पाई गई। कोर्ट तो बाहर आउंदे इमान सिंह मान, जसकरण सिंह, कान सिंह वाला, हरपाल सिंह बलेर, हरजीत सिंह मियांपुर, हरबीर सिंह संधू ते अमरीक सिंह नंगल ने कहा कि जो काम सिखां दी सर्वोच्च संस्था श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं करना चाहिए सी। जब पावन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हुई बेअदबी का इंसाफ नहीं मिले तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर नूं जुडिशियल कोर्ट का दरवाजा खड़काउणा पिया। उन्होंने कहा कि यह सिलसिला 1984 समय की सरकार वालों तोशेखाने पर हमला करके सिख जगत दीआं इतिहासिक वस्तुआं चुक लैणियां ते वापस ना करन तो शुरू होया। उस समय भारत देश के नुमाइंदे गुरु घर ते हमेशा हमले करन दा जोर दिंदे रहे, जिसका टाकरा असीं अमन अमान नाल कीता, पर सिख कौम इसका पूरा टाकरा ना कर सकी, जिस कारण हाले तक ना तो नकोदर कांड ते ना ही बरगाड़ी ते बैबल कलां ते ना ही जगह जगह ते हुए श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे बेअदबी ते श्रोमणी कमेटी वालों खुरदबोर किए गए 328 पावन सरूपां दे मामले च इंसाफ मिलिया। कोरम पूरा ना होने कारण अगली तरीक पेशी 28 मई नूं एडवोकेट नवप्रीत सिंह मन्नन ने कहा कि कागज़ पत्र सौंपते हुए सारा केस मानयोग जज सतनाम सिंह कलेर नाल डिस्कस किया गया, जो उन्होंने एक्सैप्ट कर लिया, पर क्योंकि अजिहे केसों में 2 जजों का पैनल बैठता तो कोर्ट में सिर्फ 1 जज मौजूद सी। इसके अलावा उन्होंने स्टैनो कोरोना कारण क्वारंटीन है, जिसका समा 14 दिन का होंगे। जज साहब ने इंसाफ लई पूरा भरोसा दवाउंदिया अगली तरीक 28 मई दिती है। महाराष्ट्र के यूपी समेत 9 सूबों तो गुड न्यूज़ है कि कोरोना के नवे केस वधन की रफ्तार घट हो गई है। कई सूबों कोरोना वायरस के नवे मामलों मामूली उतरा चढ़ा देखने मिले हैं। महाराष्ट्र, यूपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश ते झारखंड वर्गे 9 सूबों में कोरोना के नवे मामले वधन की रफ्तार घट हुई है। तो कोरोना महामारी नाल जूझ लई राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे दौरान इन्फेक्शन के 19,832 नवे मामले सामने आए हैं। इस दौरान 341 मरीजों की मौत भी हो गई है। पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार खिलाफ अज कल सब कुछ चंगा नहीं, क्योंकि जिस दिन तो मानयोग हाईकोर्ट ने जज ने कोटपुरा कांड बारे सिट की रिपोर्ट खारिज करके कैप्टन सरकार की पुठी गिनती वर्गा फैसला सुनाया।
उस दिन तो ही कैप्टन सरकार अपने ते विरोधियों के निशाने पर आ गई है। भावें अजे मामला ठंडा होया नहीं सी कि दूजी बार सरकार बनाने लई राजनीति घाड़े प्रशांत किशोर ने इस कार्ज तो संन्यास ले लिया, जिस करके मुख्यमंत्री नूं हत्था पैरां दी पै गई है। इस तरह कोरोना के वाधे कारण सरकार वालों लगाए वीकली ते मिनी लॉकडाउन कारण पंजाब के दुकानदार सरकार तो गुस्सा हो गया। यह सब कुछ दिनों में बीतन से हुण पंजाब के सबका मंत्री नवजोत सिद्धू जो 2.5 साल तो नुकरे लगे हुए हैं, उसने बरगाड़ी कांड के नशे के हाईकोर्ट च पे मसलों के ट्वीट से ट्वीट करके मुख्यमंत्री नूं घेरन दीआं गल्लां तो इलावा अंदर खाते जोड़ तोड़ शुरू कर लिया। इस नाल ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुंदा है। होर ताज़ा तरीन खबर देखने लई तुसीं देखते रहो चैनल इंडो कैनेडा।